डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक थ्योरम देखेंगे जिसका एक पार्ट अपन पिछले वीडियो में अपन कर चुके हैं। इसके अनुसार यह है कि लेट एन बी ए नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस लीनियर स्पेस एंड लेट एस इक्वल टू x elements of n such that norm of x is less than equal to 1 be a linear subspace of n prove that n is a Banach space n is a Banach space if and only if S is complete. पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि S आपका complete है तो n आपका Banach space है। एक पार्ट तो अपन ने किया था, उसमें दोबारा देख लें कि n फर्स्ट अपन ये ले लें कि यह आपको दिया हुआ है कि गिवन दैट n इज ए नॉन जीरो नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन जीरो मीन्स इसमें कोई भी जीरो एलिमेंट्स नहीं है एंड कोई भी एलिमेंट्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है। एस इक्वल टू एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन है सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज, ये जो आपका है ऐसी है, ये आपको गिवन है इज लीनियर सब स्पेस ऑफ एन। तो फर्स्ट सपोज दैट एन इज ए Banach स्पेस, एन इज ए क्या Banach स्पेस है। वी शो दैट एस इज कंप्लीट, एस क्या कंप्लीट है। कंप्लीट है तो इसके अंदर कोसी सीक्वेंस लेके चलेंगे और कोसी सीक्वेंस को कन्वर्ट एंड दिखाना है। तो लेट एक्स एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन एस, कोसी सीक्वेंस है तो इम्प्लाइज एक्स एन एस में है तो एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन। सिंस एस इज सबसेट ऑफ एन तो इम्प्लाइज एक्स एन क्या है इज आल्सो कोसी सीक्वेंस इन एन, एन क्या है Banach स्पेस है। तो सिंस एन इज Banach स्पेस इज ए Banach स्पेस तो इम्प्लाइज एन इज कंप्लीट। एन कंप्लीट है तो ये कोसी सीक्वेंस है एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन एन तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स एलिमेंट्स है एन का सच दैट एक्स एन टेंड्स टू एक्स
sun tends to x. That is, limit n tends to infinite x n equal to x. अपन एक पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि नॉर्म इज कंटिन्यूस में द लिमिट n tends to infinite norm of x n equal to norm of x. Norm of x implies norm of x, इस पक्ष में लीजिए लिमिट n tends to infinite norm of x n. अभी देखा norm of x n less than equal to 1 है, तो ये less than equal to 1 आ जाएगा. Since norm of x n is less than equal to 1 for all n, for all n, तो implies norm of x है कितना गया less than equal to 1, तो implies x elements है s का, implies s is complete. ये आपका इस थ्योरम का पहला पार्ट है. Conversely, अपन ले लें कि सपोज, जिसको पिछले वीडियो में आपको बताया है, कैसे बताया था कि s, conversely suppose that s is complete. और s complete है तो अपन कैसे कहना है n is बना किस पीस. We show that n is Banach space. N Banach space है. तो अपने लिए थे कि let yn be a Cauchy sequence in n. n में Cauchy sequence ली. Cauchy sequence ली तो means norm of yn minus ym या ym minus yn tends to 0 as m or n tends to infinite. ये result आया था. और इससे अपन ने Cauchy sequence, क्योंकि n को complete दिखाना है, n में Cauchy sequence ढूंढेंगे, s में Cauchy sequence दिखेंगे, s में कौन से elements हैं n के जिनका norm है less than equal to 1 है. तो अपन ले लेंगे let x n equal to y n upon norm of y n. ये लिया तो norm of x n कितना जाता है, 1 आ जाता है. 1 आने पर x n किसका एलिमेंट्स हो गया, s का एलिमेंट्स हो गया. s का एलिमेंट्स हो गया तो मीन्स x n है. क्या है, अब अपन दिखाएंगे कि x n Cauchy सीक्वेंस है. x n, वी शो दैट x n इज ए Cauchy सीक्वेंस. इसके अंदर s में Cauchy सीक्वेंस है. Cauchy sequence के लिए norm of xn minus xm या xm minus xn इसकी वैल्यू निकालें. y की टर्म्स अपन लिख दें norm of ym minus yn norm of yn की वैल्यू रखी. इसमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दें. norm of ym upon norm of yn minus yn upon norm of ym ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें, और सब्सट्रैक्ट कर कर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा पिछले वीडियो में अपन ने किया था. मैं सीधा ही कर रही हूँ यहाँ पर. तो ये आपके पास आ जाता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वन अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एम, वाई एम माइनस वाई एन प्लस नॉर्म ऑफ 1 upon norm of ym minus 1 upon norm of yn or yn. ये आ जाएगा. और सिंप्लीफिकेशन के बाद में ये आ जाएगा norm of ym minus yn upon norm of ym plus norm of, एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में बाहर आएगा, norm of ym माइनस वन अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एन, नॉर्म ऑफ वाई एन एल्शियम लेस तो यह आ जाएगा नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई एन अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एम प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म ऑफ वाई एम. सिंप्लीफिकेशन के बाद में, क्योंकि अपने पास देख रहे हैं कि 1 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस 1 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एन ये क्या चीज़ है, नॉर्म ऑफ वाई एन
minus norm of ym divided by norm of ym है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी रह जाती है, और ये वैल्यू क्या जाती है, लेस देन इक्वल टू norm of yn minus ym divided by norm of ym norm of yn. तो ये बाकी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, और इससे आपके पास ये रिजल्ट है वो आ जाएगा इक्वल टू norm of ym minus yn divided by norm of ym plus norm of ym minus yn divided by norm of ym equal to 2 times norm of ym minus yn divided by norm of ym, और ये tends to 0 as norm of ym minus yn tends to 0 and m o n tends to infinite. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि xn इज ए कोसी सीक्वेंस, किस में, s में कोसी सीक्वेंस है, सिंस s कैसा है, s इज कंप्लीट, सो देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट्स है s का सच दैट xn टेंड्स टू x, xn means yn upon norm of yn है, वो tends to x. अब इसको यहीं छोड़ दें, ये आपके पास नेक्स्ट नंबर लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर, ये नाम दे देती हूँ मैं इसको. अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि वी नो दैट norm of absolute value of norm of yn minus norm of ym की absolute value less than equal to norm of m, ले लो यहाँ ले लो उधर, norm of ym minus yn ये tends to 0 है as m or n tends to infinite, तो ये implies कर रहा है absolute value of yn norm of yn sorry norm of yn 7 is a sequence है, is a cosy sequence, किसके अंदर है, of real number, real numbers in R, since R क्या है, complete है, R complete है, तो ये जो Cauchy sequence है yn वाली वो R में converts करेगी, उसको alpha ले लेना, इसको बी नंबर इक्वेशन दे दें, तो ए इक्वेशन और बी इक्वेशन बोथ आर इम्प्लाइज वाई एन टेंस टू अल्फा एक्स, ये एलिमेंट्स किसका हो जाएगा, एन का, क्यों, क्योंकि एक्स एलिमेंट से किसका, एस का, और एस सबसेट एन का, तो एक्स एलिमेंट्स है एन का, इम्प्लाइज अल्फा एक्स एलिमेंट्स है एन का, ये एन का एलिमेंट्स आ गया, तो इम्प्लाइज ये जो कोसी सीक्वेंस है वाई एन इज इम्प्लाइज कोसी सीक्वेंस वाई एन इज कन्वर्ट्स टू अल्फा एक्स इन एन, alpha x in n, so implies n is complete, n is complete, n complete है तो क्या होगा, n is Banach space. इस तरह से अपन देखेंगे कि s जिसके अंदर elements हैं एन के, वो एलिमेंट्स हैं जिनका नॉर्म है लेस देन इक्वल टू वन है, एस कंप्लीट है, इफ एंड ऑल इफ
N is Banach space. Yeah, N is Banach space if and only if S is complete. Thanks, students.